Good morning class, this is our new pathology class in which today we will study the new topic of inflammation, that is chemical mediators. हम लोगों ने inflammation की definition पढ़ ली, उसके types पढ़ लिए, mechanism पढ़ ली, vascular, cellular events पढ़ लिए. अब ये जब सारे events अपन ने पढ़े तो उसके अंदर ये नाम बार बार आ रहा था कि chemical mediators release होते हैं. कीमोटैक्सिस वर्ड भी हमने पढ़ा था. तो ये केमिकल मीडिएटर्स क्या होते हैं इन्फ्लामेशन के, तो वो हम आज अपनी इस क्लास में पढ़ रहे हैं. और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है अलग से. राइट ए शॉर्ट नोट ऑन केमिकल मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन. तो देखिए, इन्फ्लामेशन केमिकल मीडिएटर्स जो होते हैं वो वैस्क्यूलर और सेलुलर इवेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. मतलब यही वो चीज़ है, यही केमिकल मीडिएटर्स वो सबस्टांसेस हैं जो इन्फ्लामेशन में वैस्क्यूलर और सेलुलर इवेंट्स कहलाते हैं. ये मीडिएटर्स जो है, इन मीडिएटर्स की ही नॉलेज के बेसिस पर इन्फ्लामेशन के लिए हम लोगों ने ड्रग्स बनाई है. इन्हीं मीडिएटर्स के बेसिस पर ड्रग्स बनी है. ये दो तरह के हो सकते हैं, सेल डिराइव्ड और प्लाज्मा डिराइव्ड. सेल डिराइव्ड जो होते हैं वो इन्फ्लामेशन जिस जगह पर हो रहा है उसकी सेल्स के द्वारा लोकली प्रोड्यूस होते हैं, जबकि प्लाज्मा डिराइव्ड लीवर से प्रोड्यूस होते हैं. सेल डिराइव्ड कहाँ से? जिस जगह इन्फ्लामेशन हो रहा है उसी जगह की सेल से निकलने वाले, बनने वाले मीडिएटर्स केमिकल मीडिएटर्स कहलाते हैं. और प्लाज्मा मीडिएटर्स जो है वो लीवर से निकलते हैं. कुछ मीडिएटर्स नेक्रोटिक सेल से भी डिराइव्ड होते हैं. तो ये डायग्राम देखिए, ये सेल डिराइव्ड मीडिएटर्स दिखाए गए हैं जो सेल से निकल रहे हैं, प्लाज्मा डिराइव्ड लीवर से निकल रहे हैं, और कुछ जो है वो नेक्रोसिस यानी ये सेल टूटती हुई दिखाई गई है. तो नेक्रोसिस डिराइव्ड मीडिएटर्स होते हैं. तो तीन तरह के मीडिएटर्स हमने देखे. अब ये केमिकल मीडिएटर्स देखिए, सेल डिराइव्ड ऊपर सेल का स्ट्रक्चर बना हुआ है, नीचे लीवर का. लीवर मेजर सोर्स है, वहाँ से प्लाज्मा में जाएगा. तो इसको थोड़ा सा बढ़ा करके देख लेते हैं. सेल से प्री फॉर्म मीडिएटर्स होते हैं जो सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स में पाए जाते हैं, और कुछ जो है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड होते हैं जो नए नए बनते हैं. प्री फॉर्म जो पहले से बने हुए हैं उनमें आते हैं हिस्टामिन और सेरोटोनिन. कहाँ से बनते हैं? मास सेल्स, बेसोफिल्स, प्लेटलेट से बनते हैं. ये हिस्टामिन तो इन तीन सेल से बनता है, और सेरोटोनिन बनता है प्लेटलेट्स से. अब जो न्यूली सिंथेसाइज होते हैं उनमें प्रोस्टाग्लैंडिन, जो आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, ये सभी तरह की ल्यूकोसाइट्स और मास सेल से बनता है. ल्यूकोट्राइन्स, ये दोनों टॉपिक मैंने आपको फार्मा में भी पढ़ाए थे, ये भी सभी तरह की ल्यूकोसाइट्स और मास सेल से बनते हैं. प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स ल्यूकोसाइट्स और ईसी से बनते हैं. ऑक्सीजन स्पीसीज आरओ जो है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, वो ल्यूकोसाइट से. नाइट्रिक ऑक्साइड मैक्रोफाजेस ईसी से. साइटोकाइंस मैक्रोफाजेस, लिम्फोसाइट्स ईसी, मास सेल्स. और न्यूरोपेप्टाइड्स ल्यूकोसाइट्स और नर्व फाइबर से बनते हैं. अब लीवर से दो तरह के केमिकल्स, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन और फैक्टर 12 एक्टिवेशन, जिसको अपन हैगमैन फैक्टर भी कहते हैं. कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन में C3A, C3, C5A, ये एनाफाइलो टॉक्सिन्स होते हैं, यानी एनाफाइल एक्सेस कॉज करवाते हैं. और C3B और C5B9 जो है वो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स होते हैं. फैक्टर 12 एक्टिवेशन में काइनिन सिस्टम में ब्रेडिकाइनिन और कोएगुलेशन या फाइब्रिनोलाइसिस सिस्टम होते हैं. अब इन्फ्लामेशन के केमिकल मीडिएटर्स देखो, ये अपने इफेक्ट को इंड्यूस करवाते हैं टारगेट सेल पर स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड होकर के. टारगेट सेल पर स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड होकर के अपने इफेक्ट को दिखाते हैं. और ये एक या एक से ज़्यादा इनके टारगेट्स हो सकते हैं, एक थोड़े से या बहुत ज़्यादा टारगेट्स इनके हो सकते हैं. इनमें से कुछ तो डायरेक्ट एंजाइमेटिक होते हैं और कुछ टॉक्सिक एक्टिविटीज़ वाले होते हैं, जैसे लाइसोसोमल प्रोटीएज़ वगैरह. कुछ टारगेट सेल को स्टिमुलेट करते हैं सेकेंडरी इफेक्टर मॉलिक्यूल्स को रिलीज़ करके. इनके रिस्पॉन्स को कंट्रोल किया जा सकता है और टाइटली रेगुलेट भी किया जा सकता है. पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को एम्पलीफाई किया जा सकता है, अपोजिंग इफेक्ट भी दिखाया जा सकता है. इस तरह से रेगुलेट करते हैं, रिस्पॉन्स भी दिखाते हैं. एक बार ये एक्टिवेट हो गए और सेल से रिलीज हो गए तो मीडिएटर्स या तो क्विकली डिके हो जाते हैं
या फिर एंजाइम के द्वारा इनएक्टिवेट हो जाते हैं, या बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं, या इनहिबिट हो जाते हैं इनकी एक्टिविटी, या तो क्विकली डिकेड हो जाते हैं जैसे रैकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स होते हैं। एंजाइम्स द्वारा इनएक्टिवेट कौन से हो सकते हैं, जैसे काइनेज इनएक्टिवेट कर देता है ब्रैडीकाइनेन को। एलिमिनेट होने वाले एंटीऑक्सीडेंट स्केवेंज टॉक्सिक ऑक्सीजन मेटाबोलाइट्स होते हैं। इनहिबिट होने वाले कॉम्प्लीमेंट इनहिबिटरी प्रोटीन्स होते हैं। अब सेल्फ डिराइव्ड मीडिएटर्स में ये सिक्वेस्टर्ड इन इंट्रा सेल्यूलर ग्रैन्यूल्स, ये टूट करके इंट्रा सेल्यूलर ग्रैन्यूल्स में जाते हैं रैपिडली। ये सेल्यूलर एक्टिवेशन के द्वारा सिक्रीट होते हैं, जैसे हिस्टामिन मास सेल से सिक्रीट होता है। ये स्टिम्यूलेशन मिलते ही रिस्पॉन्स के रूप में सिंथेसाइज होते हैं, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिंस और साइटोकाइंस वगैरह। कुछ टिश्यू मैक्रोफाजेस, मास सेल्स और एंडोथेलियल सेल्स, ये कैपेबल होते हैं अलग अलग तरह के मीडिएटर्स बनाने में भी। अब बहुत अलग अलग तरह के सेल डिराइव्ड मीडिएटर्स देखे जाते हैं, जैसे कि वैसोएक्टिव अमीन्स, एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स, लाइसोसोमल कंपोनेंट्स, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स PAF, साइटोकाइंस, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जिसको अपन ROS कहते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO, और न्यूरोपेप्टाइड्स, ये सारे के सारे सेल डिराइव्ड मीडिएटर्स होते हैं। ठीक है, अब वैसोएक्टिव अमीन्स जो होते हैं ये प्री फॉर्म्ड मॉलिक्यूल्स के रूप में मास्ट सेल्स में या अर्ली इन्फ्लामेटरी सेल्स के अंदर स्टोर्ड होते हैं। हमने अभी स्टार्टिंग के अंदर पढ़ा था ना कि भाई प्री फॉर्म्ड मीडिएटर्स होते हैं और सिंथेसाइज सेल डिराइव्ड के अंदर हमने दो टाइप्स पढ़े थे, तो उसमें हम बता रहे हैं कि वैसोएक्टिव अमीन्स जो होते हैं वो मास सेल्स में या अर्ली इन्फ्लामेटरी सेल्स में प्री फॉर्म्ड मॉलिक्यूल्स के रूप में स्टोर्ड होते हैं। इनमें हिस्टामिन, बहुत तरह की सेल्स होती है, पर्टिकुलरली मास सेल्स जो वेसल्स के पास में पाई जा रही होती हैं, और सर्कुलेटिंग बेसोफिल्स और प्लेटलेट्स, इनमें से ये रिलीज हो रहे होते हैं। वैरायटी ऑफ स्टिमुलेशन, जैसे कोई फिजिकल इंजरी हो गई होगी, कोई इम्यून रिएक्शन हो रही होती है, या C3C5 फ्रेगमेंट्स जो कॉम्प्लीमेंट के होते हैं एनाफाइल और टॉक्सिन्स वगैरह, उनसे वो अगर स्टिमुलेशन मिल रहा है। ल्यूकोसाइट डिराइव्ड हिस्टामिन रिलीजिंग प्रोटीन्स होते हैं, न्यूरोपेप्टाइड्स होते हैं, कुछ साइटोकाइंस होते हैं, उनके स्टिमुलेशन से ये रिलीज होते हैं। आर्ट्रियोलर डायलेशन से वैस्कुलर पर्मेबिलिटी बढ़ने की वजह से जब एंडोथेलियल कॉन्ट्रैक्शन या इंटर एपीथी एंडोथेलियल गैप्स में भी ऐसा देखने मिल रहा होता है, इचिंग और पेन ये कॉज करता है, हिस्टामिन के द्वारा ये इनएक्टिवेट हो जाते हैं। इसमें ही जो है वो सीरोटोनिन आता है, जिसमें 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन इसका स्ट्रक्चर होता है। ये प्री फॉर्म वैसोएक्टिव मीडिएटर्स है जो कि इफेक्ट सिमिलर टू दोज ऑफ हिस्टामिन बट लेस पोटेंट। ये हिस्टामिन से जुड़ी हुई चीज़ों को कि जैसे ही सिमिलर इफेक्ट दे रहा होता है, पर इसकी पोटेंसी उसके कंपैरिजन में कम होती है। प्लेटलेट्स से डिराइव्ड होता है, रिलीज होता है एक्चुअली प्लेटलेट एग्रीगेशन के दौरान, इंजरी के दौरान जब प्लेटलेट एग्रीगेट होती है ना, उस समय सीरोटोनिन जो है वहाँ से रिलीज होता है। अब कीमोकाइंस, ये कीमो एट्रैक्टेंट के रूप में काम करते हैं बहुत सारे ल्यूकोसाइट्स के लिए, मतलब ल्यूकोसाइट्स को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। इसके अलावा ये ल्यूकोसाइट्स को एक्टिवेट भी करते हैं। कीमोकाइंस 4 ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई किए जाते हैं। इसके मेजर ग्रुप में CXX कीमोकाइंस होते हैं, जिसमें IL-8 आता है, CC कीमोकाइंस जिसमें MCP-1 आता है। अब वैसोडाइलेशन कौन कौन से क्या क्या करवा रहे हैं। वैसोडाइलेशन प्रोस्टाग्लैंडिन रिस्पॉन्सिबल है वैस्कुलर पर्मेबिलिटी बढ़ाने के लिए। इसको थोड़ा सा अपन बढ़ा करके देख लेते हैं। वैस्कुलर परमेबिलिटी कौन बढ़ाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, हिस्टामिन, सीरोटोनिन, C3C5A, ब्रैडीकाइनिन, ल्यूकोट्राइन, PAF और सबस्टांस पी, ये वैस्कुलर परमेबिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। जबकि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन-1, कीमोकाइन, C3A, C5B, ल्यूकोट्राइन, ये ल्यूकोसाइट के रिक्रूटमेंट और एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बुखार के लिए इंटरल्यूकिन-1 और TNF रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पेन के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन, ब्रैडीकाइनिन्स, न्यूरोपेप्टाइड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लाइसोसोमल एंजाइम्स और ROS नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह टिश्यू डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाले केमिकल मीडिएटर्स हैं। बस
इसके साथ में आपके केमिकल मीडिएटर्स यहीं पे ख़त्म होते हैं। पूरा पूरा आंसर आपको एग्ज़ाम के अंदर लिखना है एज इट इज़, नाम तो ऐसे कैसे रट्टा मारना है, बाकी पूरा पूरा आपको एग्ज़ाम में आंसर लिखना है क्योंकि केमिकल मीडिएटर्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। आज के लिए इतना काफ़ी है, और कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।